से ये अपना शूटिंग करके शायद इनकी लाइफ स्टाइल इतनी व्यस्त होती है, परिवार के लिए कैसे समय निकाल पाते होंगे? क्योंकि आप मुंबई रहते हैं तो अच्छा खासा इनके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ माध्यम है एक न्यूज़ के माध्यम से जान पाते हैं या सोशल मीडिया पर यूट्यूब गूगल के माध्यम से जान पाते हैं। आप उनको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनको शायद उनमें जी रहे हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक्टर जो हैं बहुत ही मेहनती हैं, अगर वो इतनी जनसंख्या में, और मेरे हिसाब से 90% तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं हिंदुस्तान के, वो 90% लोगों में लोग एक्टर बने हैं, जाके टॉप 10 में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी तब उन्हें ये मुकाम मिला है, तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा की होगी जी, और हम भी एक्टर, लेकिन वो इससे ऊपर हैं, सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत मेहनती हैं। अक्षय कुमार जी हैं, वो 5 बजे उठते हैं, उनका रूटीन ही मतलब हैरान करने वाला, अभी भी इस उम्र में क्या देखते हैं, मार्शल आर्ट हैंडस्टैंड बनाना, वॉक करना, मतलब कमाल, खान पान पर शाम को सवेरे खाना खा लेना, उसके बाद अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, ये तो मामूली बात नहीं है। आमिर खान भी बहुत वर्क करते हैं, शाहरुख खान भी बहुत हार्ड वर्कर हैं, गोविंदा भी बहुत हार्ड वर्कर हैं, तो सारे एक्टर, आशुतोष खान भी बहुत हार्ड वर्कर हैं। अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, खास करके इस एज में शायद कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, तमाम और भी फिल्में करते रहते हैं, शायद सुबह का उनका एक शेड्यूल अलग रहता है शरीर को फिट रखने का, एक संदेश कैसा जाता है एक स्टार शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे जी रहा जैसे वाकई बहुत बड़ा, जैसे बॉलीवुड में तो अपना नाम है ही उनका, लेकिन लाइफ की बात की जाए तो लोगों को प्रेरणा देता है, कैसा मानते हैं उनको इस उम्र में? मैं तो उनको मतलब क्या बोलूँ, मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस है, बचपन से उनकी फिल्में देख रहा हूँ, उन जैसा बनने की कोशिश की, रियल लाइफ में कुछ मतलब मैं ऐसा करने की कोशिश करता था, मैं पर्दे पर वैसा करने को मिला नहीं अभी तक, और बाकी ईश्वर की इच्छा है। लेकिन बच्चन साहब जी ना मतलब क्या बोलूँ, मतलब अभी भी इस उम्र पर इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने का आदमी सोचता है कि यार बहुत काम हो गया, लेकिन अभी भी मतलब काम पर पूरा ध्यान है, अभी जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करना, और सबसे बड़ी बात इस उम्र में भी होके वो नेट पे कैसे बात करना है, फेसबुक ट्विटर हर चीज़ पे अवेलेबल रहते हैं जी, और खुद बात करते हैं और सब नॉलेज उनको, मतलब अभी भी उन्होंने सुना है कि वे नाइट में निकलते हैं क्या क्या चल रहा है रोड पे, और अवेयरनेस है उनमें समाज में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हैं, वो समय के साथ उन्होंने बदला। और बच्चन साहब इतने हार्ड वर्क हैं, टाइम टेबल के बहुत पक्के हैं कि अगर आपने उनको कॉल टाइम 8 बजे दिया तो बच्चन साहब शूटिंग पे 8 बजे पहुँच जाएंगे, डायरेक्टर की कॉल के अनुसार, अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि 8 बजे 8 बजे पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं हैरान करने की बात है, इतने बड़े स्टार होने के बाद वो किसी भी डायरेक्टर से ये नहीं कहते कि मैं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा, डायरेक्टर ने बोला कि आप ऐसे करना है तो वो वैसे ही करते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करूँगा ऐसा नहीं, वो डायरेक्टर जैसे बोले वैसे ही करते हैं। नए कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बहुत बड़ी सीख है कि आप डायरेक्टर के हिसाब से चलो, ऐसे तो अपने मन से कुछ भी करो, भाई कहानी की डिमांड होती है, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको वैसे करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा हटेंगे इस टॉपिक से, बात करेंगे धार्मिक पोर्ट पर थोड़ा सा, क्योंकि इस समाज में जी रहे हैं तो बातें हर तरह की होनी चाहिए, ये फिल्मी हो चुकी है बात, क्योंकि आप एक्टर हैं तो मैंने फिल्मी बात कर ली आपसे, आप आगरा आए हैं तो फिर मैं अपने मन के मुताबिक। चलो 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 टेक करो भाई भाई, चलो गप्पो ऐसा बैठो, और कौन सा सैंडी 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 हम ही पिट रहे थे, सजेशन में तो आएगा, हम नहीं पिट रहे थे सर, अब टेक चालू नहीं किया यार इन लोगों ने, कहाँ कहाँ मारोगे बताओ इसको, आराम से
तो भी ना जब ये होगा ना ये इससे फिर उनको पकड़ने की कोशिश करना। चल आ जा हाथ आइडल पर चंडी आइए इधर नहीं ये हाथ के पीछे करना यहाँ और जितना तो रिएक्ट करेगा ना उतना रियल लगेगा फाइट। तुम्हारी पोजीशन कहाँ थी मास्टर में? मास्टर में उधर थी। चलो हेलो बाय और मुकुल भाई कैसे? फिल्म के बारे में बहुत मजा आ रहा है। अभी तो फाइट सीक्वेंस चल रहा है, रिएक्शन तो एकदम हड़ू चल रही है। झाड़ू फंबल मार दिया, बहुत फंबल मारता है ये लड़का। झाड़ू भी चल रही है, फाड़ू नहीं धाड़ू। डायरेक्टर की तारीफ पर रोहित शेट्टी डायरेक्टर में ये फर्क है, बस ये डायरेक्टर गाड़ियां नहीं उड़ाता, बाकी सब कुछ कर रहा है। बता बता बता। और डायरेक्टर सब बहुत मस्त है। हम कह रहे डायरेक्टर सब बहुत माँ शब्द लिया, हमने कहा ये तो डायरेक्टली गाली बकरा, डायरेक्ट गाली बकरा। चलो भाई ये लेना, सब 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 ले। चलो टेक केयर जय। चलिए टेम करना। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर साहब के समान कोई दूसरे डायरेक्टर मिलेंगे और मुकुल भाई के समान कोई मुकुल भाई मिलेगा। पूरे आर्टिस्ट पूरी यूनिट इतनी मस्त है कि बिल्कुल झकास झकास। पीछे 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 कलर पड़ा। तेरा कुछ था क्या और कलर था? लगा ले वो तो पूरा पूरा ब्लैक। और ये स्पॉट दादा भी बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग मस्त करते हैं। स्पॉट शाहरुख खान की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी करते हैं। बोलो कोई डायलॉग बोलो शाहरुख खान। डायलॉग बोलो। और हम धूप में काम कर रहे हैं और हमें और हम हो गया आ जाओ। और हमारे डीओपी साहब बहुत मस्त है, कोई ठंडी भांग भी नहीं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन इनको भांग नहीं मिल रही है। सरकार से बोलो कि हमें हमारी तरफ कोई ध्यान दे और प्रोड्यूसर से बोलो ठंडी भांग प्रोवाइड करवाई जाए, कम से कम होली तो नहीं खेल रहे, कुछ तो दो। चलो चलो बैठो पोजीशन पे आ जाओ। आओ 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 आओ। पैसे आठ। चलिए रोलिंग एंड एक्शन। मारो उसको साले को, मार बाकी मारो और चल लगाओ, मारो पंच मार गप्पो, मारो मार इसकी मार थोड़ा पैन कर। अरे प्रशांत पे पैन कर, मार अबे चंडी बात मार से चार से आज चंडी इस तरफ से बाप ओवर लेफ्ट कर ले, उधर ले उसको राइट में ले और राइट में ले चंडी, बोतल उठा के मार मां की चोट, मार चंडी चला गोड़ दे चलेगा, चाकू मार मां की चोट, हाथ मार हाथ चंडी हाथ मार हाथ अरे मार ओके मार कट चाकू आगू निकल ये जो कैमरा कर रहे हैं उन्होंने जो धुआ है हमको आज, बाप रे बाप क्या बताएं, बहुत छोटे कल हमारी बारी कोई ये जानते हैं। बहुत जगह लगने वाला है मेरे बाबाओं के बारे में। शायद आज बाबाओं को शायद जैसे राम रहीम की बात की जाए या आसाराम की बात की जाए, तमाम और भी कहीं ना कहीं ऐसे बाबा हैं जिनको शायद जेल की हवा खानी पड़ जाती है, इनको टारगेट किया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं ये ऐसे जो इल्ज़ाम इन पर लगे, जो कहीं ना कहीं इनको माना गया ये दोषी हैं, तो इनको टारगेट किया जा रहा है या फिर ये हैं ऐसे? ये तो टारगेट किया जा रहा है लेकिन ये हैं भी ऐसे। एक्चुअली होता क्या है, जो आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है लेकिन फंस ले रहा है, फिर जो उसके विरोधी लोग होते हैं वो प्लान करते हैं तो फंसाना कैसे है, फिर कोई ऐसे कहानी बनाता है कि इसने कुछ भी किया, वो सबूत पेश करता है, फिर और लोग भी निकल के आ जाते हैं। कोई आदमी को मालूम है बड़ा आदमी है, उसको गिराने के लिए इसकी कमजोरी पकड़ो, अब वो है ही ऐसे तो उन्होंने पकड़ा उसी से खेल के उनको गिरा दिया, अब बाद में और केस भी खेलने लगे।
और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि गीत बाबा हैं, चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक भी तो गुनहगार है भाई। आपने देखा कोई एक आम आदमी है, आपने उसको भगवान मान लिया। मैं नहीं कहता कि सब साधु ऐसे हैं, कुछ साधु अच्छे भी हैं, वो बेचारे पूजा पाठ करते हैं और पब्लिक के सामने नहीं आते हैं, और पब्लिक के सामने आते हैं उनमें भी बहुत सारे अच्छे साधु लोग हैं जी, अच्छे बात नहीं, सन्यासी लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात तो है कि जो आदमी ब्राह्मण नहीं है, अब समाज पब्लिक पहुँच के उसके पैर छू रही है। अब राम रहीम जी ब्राह्मण तो है नहीं, अब उनको पूजा पाठ का गुरु बना दिया, और उनको क्या ईश्वर ने एक सबको बनाया अलग अलग। जी मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा ब्राह्मण नहीं है, शायद लोग कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है, जो ज्ञान ही होता है वही ब्राह्मण होता है, तो इसमें कहीं आपको दोहराया नहीं दिखता कि वो अगर ज्ञान दे रहे हैं तो शायद लोगों को ज्ञान लेना चाहिए उनसे, या फिर एक ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है। मेरे हिसाब से अगर ईश्वर ने कोई सिस्टम बनाया है, तो ईश्वर ने हमको पैदा किया है और एक सिस्टम बनाया है कि ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, क्योंकि उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि ब्राह्मण के मन में दया होती है। अगर ब्राह्मण होगा तो ऐसा नहीं करता किसी को मारे कंकाल जमीन में काट दिया, ऐसा तो नहीं करता कम से कम। तो ब्राह्मण को ईश्वर ने इसलिए, या उसका दिल ऐसा है, क्योंकि अगर कोई नोकिया फोन बना उसमें सिम लगी वोडा फोन की, तो उसको और वैसे करेगी। ऐसे ईश्वर ने ब्राह्मण को बनाया ब्राह्मण के मूड से, क्षत्रिय को लड़ने के हिसाब से, और जैसे गुप्ता लोग हैं बढ़िया लोग, उनको बिजनेस के हिसाब से, उनका टेम्परमेंट वैसा होता है बिजनेस कैसे करना है। तो ईश्वर ने एक तरीके से सबको पेश किया, वैसे ही चलना चाहिए। अगर हम उसको तोड़ के अलग कुछ करना चाहेंगे, ये एक चीज़ और, लोगों का ये मानना है कि ये सारा कुछ बनाया हुआ सिस्टम, क्योंकि भगवान ने तो सिर्फ हमें एक जीव के रूप में पैदा किया, सारा कल्चर जो बनाया वो इंसान ने यहाँ के बनाया, जाति बनाई, और जातियों के रूप में शायद जो भी जितनी भी जातियाँ बनी, धर्म बने, वो सब यहाँ आकर बने, तो ये इंसान ने बनाए, भगवान ने तो सिर्फ भेजा है। हाँ ये मैं मानता हूँ भगवान ने भेजा, लेकिन जो जिन्होंने ये नियम बनाए वो भी हमारे पूर्वज हैं, समझदार रहे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि किस जाति में क्या क्वालिटी है, तो उनसे बढ़ के अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो शायद गलत है, क्योंकि वो लोग भी मतलब हमसे बड़े हैं, ज्ञानी थे, और अभी तक वैसा होता रहा है, और ये तो साबित भी हो गया ना अभी कि राम रहीम जी ने जो किया तो मतलब बहुत गलत किया ना। अगर ब्राह्मण होता शायद ऐसा नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में रहम तो होता है, इतना बेरहम होना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है, उसी बेरहमी की कहीं ना कहीं सजा मिली। बिल्कुल, और मिलनी चाहिए थी वो तो, और ऐसा होने पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में और भी साधु सब ऐसा है, कुछ ऐसे हैं। और देखो बुरे की हार तो एक दिन होनी है, बुरे का अंत होने होना है, इसलिए उन्होंने राजयोग जल्दी जिया और बाद में तो तकलीफ आई, इसलिए ठीक है आदमी ज़िंदगी में शुरू में स्ट्रगल करता है, ये ज़िंदगी का फलसफा है, तो बाद में उसको अच्छे अच्छा समय अच्छा दिन मिलता है। मैं एक और सवाल मेरे जहन में है, वो सवाल ये है, धर्म से अलग हट के बात करूँगा, कहीं ना कहीं आज जो सोशल मीडिया का कल्चर है, आज नई पीढ़ी हो या फिर छोटा बच्चा हो, स्कूली बच्चा हो, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको वो चाहता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल गेम शायद जानलेवा तक बन गया है, शायद किसी को अगर गिरफ्त में ले रहा है, टास्क दिया, टास्क के अनुसार उसको कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेता चला गया, तो इसे किस तरीके का मानते हैं आप, एक जनरेशन को किस तरीके से गिरफ्त में ले रही है? ये ब्लू व्हेल जो गेम है बहुत ही ख़तरनाक है, मुझे तो अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में मालूम चला, इसकी चपेट में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने छत से कूद के जान दे दी, मतलब बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और ये टास्क इतना ख़तरनाक है कि लोग इसमें एक बार फंसते हैं फिर उसको टास्क पूरा करने के लिए, जैसे टास्क में सुबह जागे उन्होंने किया तो सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, फिर वो इस तरह का बच्चा उससे निकलना भी चाहता है, तो इतने ड्रामेटिकली मानसिक कहते हैं कि अब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा कर देंगे, तो बच्चा डर जाता है, वो ईजीली इन चीज़ों में फंस जाता है और कुछ ना कुछ गलत परिणाम निकल आता है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, कोई बच्चा आपका अकेले में मोबाइल पे कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, मोबाइल गेम तो नहीं खेल रहा है, अकेला बैठा उसके हाथ पे कोई कटा निशान तो नहीं है, तो ध्यान से देखिए उसको, अकेला ज़्यादा मत छोड़िए, गुमसुम तो नहीं है, कुछ सोच तो नहीं रहा है वो जी, ये आपको ध्यान देना होगा अपने बच्चों के लिए। और मैंने आज ही देखा कि मैं कॉलोनी में निकला तो सुबह सुबह मैं रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, फ्रेंड से बुलाया था,
वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, इतने टेंशन में थे, वो बार बार एक ही सवाल पूछे थे, बेटा ये ब्लू व्हेल गेम क्या है? मैंने कहा अंकल बहुत खतरनाक गेम है बेटा, ऐसे होगा क्या? मैंने कहा ये आप बच्चे को अपने साथ रखो, उसको घुमाओ फिराओ, अच्छा माहौल दो, स्पोर्ट्स में रहे, उसको खाली मत छोड़िए। उन्होंने कम से कम 5 बार ये बात पूछी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ बात चल रही, घर में कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनको अकेला ना छोड़ें, और क्या गेम खेलने चाहे कहीं ना कहीं। एक एक एक, एक सवाल और है आपसे, आज ब्लू व्हेल की हम बात कर रहे हैं, एक वक्त था शक्तिमान की हम बात करते थे, शक्तिमान जिस तरीके से घूम के और शायद अपनी एक्टिविटीज़ करता था, एक करेक्टर जो कई नाटक में जिया हो उन्होंने कलाकार ने, उसको शायद बच्चों ने हकीकत में उसको गरीब ले किया, तो एक वो भी खतरनाक चीज़ थी और ये भी खतरनाक है। तो एक एक जागरूकता, टीवी की बात की जाए, सीरियल्स की बात की जाए, फिल्मों की बात की जाए, तो हम एक जागरूकता के लिए इसको सामने लेके आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जानलेवा भी बन जाता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो बनाने वाले हैं वो क्यों नहीं सोचते ऐसी कि भाई ये नेगेटिव चीज़ है, इसको शायद नेगेटिव तो इसका परिणाम होगा, इसको हमें नहीं बनाना चाहिए। अभी दुनिया में अगर पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, हीरो है तो खलनायक भी है। तो जिन्होंने ब्लू व्हेल गेम बनाया वो जेल में, आजकल वहाँ की सरकार ने उसको जेल में बंद कर दिया है, लेकिन वो हल्ली गली चल रहा है, अब नेट पर मार चुका था तो खेल रहे हैं। अब शक्तिमान में भी ऐसा हो रहा है, शक्तिमान में क्या था कि कहानी थी, अब लोग क्या होते हैं फिल्मों से बहुत इंप्रेस होते हैं, वैसा करना चाहते हैं, तो एक तो घटना हो गई थी लेकिन उसको बाद में फिर चेंज किया गया, तो बहुत कंट्रोल किया था। लेकिन ब्लू व्हेल गेम में तो आपको टॉर्चर करते हैं कि आप इस गेम से बाहर नहीं जा सकते, आपके साथ आपके जो आपका प्रिय कौन है पता चलेंगे, उसके साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो बच्चे डर जाते हैं। तो ये वो एक नकल होती है, एक्टर की आदमी नकल करने जाता है, क्रिश लेके मैंने कई बार देखा बच्चे लोग बाहर है क्रिश क्रिश चिल्ला रहे, बाहुबली बाहुबली ऐसा होता है, लोग फिल्मों से इंप्रेस होते हैं, अब बाहुबली पत्थर से पहाड़ से कूद रहा है वैसा तो है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं फिल्म में जी, तो उसको आप पब्लिक बहुत समझदार हो गए आजकल, तो लोग बताते हैं एक्टर ने ऐसा काम किया है, एक्टर ने एक्टिंग में चेंज की, ऐसे ऐसे लोग भी आजकल दुनिया बहुत समझदार हो गए। ब्लू व्हेल का क्या बहुत ज़्यादा शिकंजा खतरनाक है जी, वो आपको मतलब ऐसा बांध देते हैं निकलने सकता है, टॉर्चर भी कर, हाँ टॉर्चर भी कर। ललित मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप फिलहाल क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, समय सीमित रहता है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो आपका जल्दी आने वाला है, हम लोग देख सकते हैं उसको? अभी मेरी एक फिल्म है लव कान, वो कंप्लीट अभी डबिंग फिनिश करके आया है, उसमें एडिटिंग चल रही है, कुछ डीआई वगैरह है, वो रिलीज़ कब होगी 5-6 महीने बाद। एक डर्टी हीरोज़ है, उसका 2 दिन का शूट बाकी है, डबिंग अभी बाकी है उसकी। एक इंटरनेशनल शॉर्ट मूवी की है असल मर्द, वो फिल्म कंप्लीट है, वो कान्स के लिए गई है, वहाँ नॉमिनेट होगी तो उसको खुशखबरी दूंगा, और ये पहली बार ऐसी फिल्म की है जो नॉमिनेट होगी, जो उसके डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म जो इससे पहले बनाई थी उन्होंने, वो फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुई थी, शुभकामनाएं उनके लिए कि उनकी कांस में नॉमिनेट हो, हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, आगरा के लिए भी शायद कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो ये थे मेरे साथ में ललित मिश्रा, जिनसे शायद हमने चर्चा की आज के वर्तमान दौर में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ब्लू व्हेल गेम है आज की पीढ़ी के लिए एक शायद खतरनाक, शायद हमारे सामने जो बनता जा रहा है, और जो आज की पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में है। दूसरा, हमने बाबाओं पर भी चर्चा की जो वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं शायद राम रहीम की बात की जाए, संत आसाराम बापू की बात की जाए, तमाम एक और बाबा हुए उनकी बात की जाए, तो अपनी बातें रखी है इन्होंने, और बात की जो मुख्य कलाकार रहते हैं, जो कहीं ना कहीं स्थापित कलाकार हैं बॉलीवुड में, अमिताभ जी हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात की कि इतना कुछ होते हुए इतना पूरा शायद बड़े कलाकार हैं और कैसे इनका एक टाइम शेड्यूल रहता है, उस पर भी चर्चा की है। बड़ी साफगोई से आपने सारी बातों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर आप चल रहे हैं और शायद आने वाली इनकी फिल्में हैं अच्छा करेंगी, आगरा का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि आगरा से ही हमारे ललित कुमार हैं।
शुभकामनाएं इनके लिए। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं ललित कुमार जी, फेमस फिल्म एक्टर। हम कुछ बातें करेंगे। और ललित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप इस लाइन में आए। इस लाइन में आने का पूरा श्रेय तो ईश्वर को ही जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं, इतना मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूं मैं। पर ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और ईश्वर मुझे उस रास्ते पर आगे ले गया। दिल्ली में 5 साल एक्टिंग सीखी, उसके बाद बॉम्बे गया, कुछ सीरियल किए और अभी फिल्में मिलना शुरू हो गई हैं। तो बस ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं है। और अभी एक फिल्म मैं करके आया हूँ, जिसका फिल्म का नाम है टू मच हो गया। ये एम एंटरटेनमेंट की फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं अनवर खान, प्रोड्यूस बाय निलय पांडे, और इसमें मेरे साथ जिमी शेरगिल हैं उनका डबल रोल, और अरबाज खान, जरीना बहाब और मुरली शर्मा, और एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा, कमांडो फिल्म में। अच्छा, कमांडो फिल्म। मुझे लगा कि प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड नहीं, वो भी मतलब मॉडलिंग से ही हैं जी, और काफ़ी खूबसूरत हैं और अच्छा काम किया है उन्होंने। और इंडस्ट्री में नसीब चलता है, वो तो बहुत बड़ी बात है, नसीब का खेल होता है। और ये टू मच हो गया, मतलब मेरे फ्रेंड हैं सब की फिल्म है, प्रोडक्शन अपने घर का ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस फिल्म में करूँगा, मैं वेट कर रहा था कि अगली फिल्म में करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने लोग एक्टर हैं, मेरे लिए कुछ गुंजाइश है नहीं शायद। तो जैसे अमूमन हम दोस्तों से बैठते हैं, घर की बात है, बैठते थे, सडनली मुझे बताया गया कि आपके लिए एक ऐसा सा लिखा गया है जो कि पब्लिक देखकर प्रसन्न होगी। और जब फिल्म बन गई है, कंप्लीट हो गई है, मैंने देखा तो जो भी निकल देखता है फिल्म, मुझसे बोलता है भाई काम बहुत अच्छा किया है। मुझे खुशी इस बात की है, ठीक है, बस में बहुत बड़ा काम नहीं है मेरा, मिशन फिल्म हीरो हैं अरबाज भाई, लेकिन जो मैंने काम किया है तो सारे लोग मुझसे प्रसन्न हैं। जो भी निकलता देख गले लगाता है, कहता है तुमने मेहनत की, वो देखता है। डबिंग के समय बाहर निकला तो सब लोग गले लगा लिए, क्या डबिंग किया, वन टेक में कर दिया, शूटिंग में सब सेटिस्फाई थे। तो ये कलाकार को होता ना कि ठीक है, अब मैं बाहर स्टार नहीं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझसे वो खुश हैं, तो मुझे काम आता है। कलाकार की कला की खुशी हो जाए बस वही सांत्वना है कि भाई हमने सीखा है, तो लोग यहाँ तुमने सीखा है, दिखता है। मैं हर कामयाब आदमी से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। मेरी कामयाबी के पीछे राज तो मेरे फैमिली का ही है, मेरे पिताजी का, मतलब बहुत पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, पुलिस ऑफिसर होकर करना है, उन्होंने हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चले। वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, मैं मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जैसे और लोग लॉन्च होते वैसे लॉन्च हो जाता, पर कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि जैसे कि 3 इडियट्स में बोला गया था कि काम सीखो, पैसे के पीछे मत भागो। मेरा पूरा फोकस काम पे है, मैं जब खाली होता हूँ तो बड़े बड़े एक्टर के साथ बैठता हूँ, आशुतोष राणा है, बड़े एक्टर हैं, कहीं बड़े एक्टर से मैं पहचान भी नहीं तब भी जाता हूँ, वो कैसे एक्टिंग कर रहा है बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होता है उन चीज़ों का, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ एक्टिंग करते समय। तो बस मेरा मकसद है कि क्वालिटी पैदा करनी है और फल तो वही देगा ऊपर वाला, क्योंकि नसीब में लिखा होता तो वही है, क्योंकि एक से बढ़िया एक्टर दुनिया में पड़े हैं लेकिन सही मौका सबको नहीं मिलता। हर फिल्म एक्टर का एक गॉडफादर होता है, तो क्या आप बताएंगे आपका कौन है? मैं सच बोलूँ, मैं गॉडफादर मेरे को मिल नहीं रहा। मैंने राम गोपाल वर्मा को बहुत 7-8 साल से मिला, बातचीत की मेरी, मैं उनको उनके इंटरप्रेशन बहुत इम्प्रेस था, उनसे डायरेक्टली बात करता था, सर लीड रोल चाहिए, वो ठीक, वेट करो। मुझे अभी तक मेरा मनपसंद रोल मिला ही नहीं, पर मुझे पूरा बिलीव है कि अगर मिलेगा तो मैं साबित करूँगा। वो मेरा गॉडफादर पता नहीं कौन है, वो तो ईश्वर ही जानता है, कोई कहानी मेरी लिखी जा रही होगी और वो कहानी हिट होगी, क्योंकि हर एक्टर के साथ, अमजद भाई के साथ हुआ भाई, उनको शोले फिल्म में जो मिला गब्बर सिंह का रोल वो डिसाइड था, बीकू मात्रे को मिला, आशुतोष राणा वाले बड़े भाई उनको गोकुल पंडित का मिला, वो मतलब संघर्ष, मतलब उनकी एक्टिंग तो मैं मतलब उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं फ्री होता हूँ तो मैं बड़े भाई आ जाऊँ, क्या बोलते हैं आना, तो मतलब उनके सानिध्य में रहकर कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे मतलब पूरा मैं ऑब्जर्व देखता हूँ, मतलब कि भाई इतने बड़े एक्टर के साथ बैठ के हम ग्रो करते हैं। ठीक, हमने ट्रेनिंग की, लेकिन ट्रेनिंग ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है, थ्योरी पढ़ के आ गए लैब में,
प्रैक्टिकल चीज़ जब आप कुछ बनाते हैं तो सामने होता है वो बहुत मायने रखता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल भी किया, थ्योरी भी पढ़ी है, तो उस चीज़ को अभी थ्योरी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों की शुभकामनाएं, कुछ बड़ा काम हो जाए, बस यही है कि जीवन में एक अच्छे कलाकार बने। और आप जैसे आगरा से हैं तो आगरा के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे भी कई एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं, कई चीज़ें हैं, तो कई लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही में कहीं एक मुकाम दिलाते हैं या किस तरीके से ये काम करते हैं एक्टिंग स्कूल? मेरे हिसाब से यहाँ पे जिसको काम आता नहीं वो एक्टिंग स्कूल खोल देते भाई। जिसको जो ऐसा एक आदमी बाइक ठीक करता है वो भी 4-5 साल बाइक ठीक करना सीखता है, बाल काटता है वो भी सीखता है 4-5 साल, ऐसे कोई बाल नहीं काटने लगता है। ऐसे एक्टिंग ही बहुत गहन अध्ययन है, इसमें भी कम से कम मतलब सबसे कठिन काम एक्टिंग है मेरे हिसाब से, सीखना पड़ता है। जो पर लोग क्या सोचते हैं, अरे अब कोई भी एक्टिंग स्कूल बोर्ड लगाते हैं, एक्टिंग स्कूल खोल दिया, किसी लड़के को बुला लिया, भाई जिसको एक्टिंग खुद नहीं आती, जिसने ABCD एक प्रोसेस होता है वो आज सिखाने बैठे जाता है, लड़कों की बच्चों की ज़िंदगी बेकार होती है, बच्चों में जाके भटकते हैं बम्बई, कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर प्रोफेशनल कोई ऐसे अनुपम खेर साहब है भाई, बैरी जोन है, मतलब ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सीखा तो वो सिखा रहे हैं, अब जिसने खुद ही नहीं सीखा है कैसे हो जाएगा? मतलब बाइक ठीक करने खुद आते नहीं है और मैकेनिक कैसे बाइक ठीक कर लेगा? तो हर चीज़ सीखनी। आपका मतलब ये है कि उनको पहले सीखना चाहिए फिर सिखाना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग एक किसी का नाम बड़े स्टार का ले लेते हैं और बैनर लगा देते हैं और एक्टिंग स्कूल चालू हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और एक्टिंग अलग विषय है, ये तो कला आसानी से नहीं मिलती, कला पाने के लिए आपको दुख तो झेलने ही पड़ेंगे, आप कितने अमीर हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, लेकिन कला आसानी से नहीं मिलती। मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना आपने, बहुत गरीबी सही उन्होंने, क्योंकि लास्ट में ब्रूस ली देखो मरने के बाद नाम हुआ। तो कला एक अलग ही चीज़ है, मतलब कलाकार कितने दुख सहता है वो ही जानता है और फिर भी हंसता रहता है। नहीं वो तो आपकी बात सही है। अच्छा, अब आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, अभी 2-3 फिल्में पाइपलाइन में है मेरी, अभी ऐसे ऑफर तो बहुत सारे आते हैं, जब काम जहाँ भी काम करता हूँ मैं। एक फिल्म कर रहा था हिंदुस्तान मेरा नाम, वो डबिंग कर रहा था, बाहर निकला प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोले कि सर हम बहुत इंप्रेस है आपसे, अगली फिल्म में आप कर रहे हैं। फिल्म का नाम उन्होंने बताया छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसे वो शूटिंग चालू होने वाली है देखो। और ये जो फिल्म मैंने की है टू मच हो गया, ये टीम भी अपनी है, ये लोग भी अगली फिल्म बोलेंगे आप हमारे हर फिल्म में होंगे। और आपने सीरियल भी बहुत करे हैं स्टार पे, जी पे, तो सीरियल से अचानक मुँह क्यों मोड़ लिया? एक्चुअली मैं जब बॉम्बे गया था असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मुझे एक फिल्म मिली थी शबनम बॉस में छोटा सा रोल, तो उसके बाद मुझे सीरियल मिल गया था आयुष्मान, फिर हेलो डॉली स्टार प्लस पे, जी पे मिला ची एंड मी, रेत, ममता, कत्ती बेटी लक्ष्मी, सब टीवी पर पावर मैन, DD1 पर बैरिस्टर रॉय, फिर स्टार प्लस पर काली आशुतोष आनंद ने मिलाया था मुझे, मतलब उन्होंने ही कास्टिंग कराई थी मेरी। उसके बाद मुझे फिर टीवी सीरियल में मुझे लगा कि मैं कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं टाइम निकल रहा है और जो मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं पा रहा है, टीवी सीरियल ख़त्म, लोग भूल जाते हैं ऐसे दिखता है सर आपका टीवी सीरियल देखा अच्छा लगा, हाथ मिला था आदमी की, तो मुझे लगा नहीं यार थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा अपने आप को रोक के फिल्मों के लिए ट्राई शुरू किया। टीवी सीरियल से मीटिंग बंद कर दी मैंने, किसी से मिलता ही नहीं था, सिर्फ फिल्मों के लिए मीटिंग करना। तो आपको ऐसा लगता है कि टीवी सीरियल में फ्यूचर जो है आप उसके लिए बने नहीं हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, मतलब ऐसा समझना चाहिए कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ कि टीवी पे मुझे लोग देखें। मतलब मैं एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो बच्चन साहब भी बोलते हैं एक्टिंग सीख रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। तो मतलब ये है कि मैं उतना सुंदर भी नहीं हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, मेहनत की है, तो टीवी सीरियल में लोग चाहिए हैंडसम लोग और हम तो नॉर्मल इंसान है भाई। तो फिल्मों में कहीं ना कहीं अब फिल्मों में एक्टर अजय देवगन साहब हैं, कुछ हमारे जैसे मतलब हैं, शाहरुख जी हैं हमारे जैसे, मतलब नॉर्मल लुकिंग वाले लोग हैं हम, तो फिल्मों में शायद हमारी कहीं ना कहीं गोड़ी पेट हो जाए सोचते हैं। और सीरियल में क्या होता है कि अच्छे कपड़े, अच्छी बेल्ट, अच्छे लंबा चौड़े वाले आते हैं, दो लाइन बोल देते हैं, वो उनकी एक्टिंग है, तो वो अलग चीज़ है, वो हैंडसम लोग हैं, हम लोग हैंडसम नहीं करते, एक्टिंग के दम पर कुछ कर लें, यही संभावना है बस अपने जीवन में। अब आपका ये कहना है कि वहाँ एक्टिंग नहीं होती? नहीं, एक्टिंग होती है, ऐसी बात नहीं है, पर उनका दायरा है, उनको बिल्कुल सटल होके उसी फ्रेम में आउट नहीं जा सकते। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको काम मिले,
और ये थे हमारे साथ ललित कुमार जी। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, और देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और ललित जी लगे रहें और भगवान उनको खूब कामयाबी दे। आज का सफ़र हम यही ख़त्म करते हैं, एक खास मुलाकात में अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं करतार सिंह बघेल, स्वागत है आपका डीजी महाराजा न्यूज़ के कार्यक्रम तस्वीर ताज में। दोस्तों, तस्वीर ताज कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं अलग विषय, अलग मुद्दों को लेकर। आज हमारा विषय होगा ताज नगरी में मनोरंजन के साधन कैसे बने, क्या कुछ होना चाहिए शासन और प्रशासन की तरफ से, और ब्रजवासी जो फिल्म है, जो फिल्म उद्योग है, उसको बढ़ावा कैसे मिल सकता है। मेरे साथ में मौजूद हैं जो आगरा से मुंबई में कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में स्थापित हो रहे हैं, ललित कुमार मिश्रा जी। ललित जी, डीजी चैनल के कार्यक्रम तस्वीर ताज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ताज नगरी में फिल्म उद्योग को कैसे स्थापित किया जा सकता है, क्या कमियाँ, जब आगरा में रहते थे आप तो क्या कमियाँ महसूस करते थे, आज आप मुंबई में हैं, क्या कहते हैं? काफ़ी लोग आगरा में शूट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम ताजमहल का हम लोकेशन देखने गए थे अपनी फिल्म टू मच हो गया के लिए, लेकिन एक दायरा बनाया है कि इसके आगे शूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके दायरे के हम बाहर शूट कर रहे थे, प्लान के चलो यहाँ करते हैं, पता चला कि यहाँ पर ट्रॉली जिमिजिप नहीं आ सकती, तो बहुत सारी चीज़ें लोग बाहर से आते हैं बड़े मन से कि ये शूट करेंगे, वो शूट करेंगे, लेकिन प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये और कर लेते जी, यही समस्या है जी। मैं जानना चाहूँगा, ब्रजभाषी हमारी भाषा है, ब्रजभाषा हमारी भाषा है, तो यहाँ फिल्म उद्योग की बात करें तो ब्रजभाषा का जो फिल्म उद्योग कार्य है वो कैसे, इसको क्या कमी महसूस करते हैं, और बढ़ावे की बात करें तो क्या, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसमें? ब्रजभाषा जो बहुत ही मीठी भाषा है जी, और ब्रजभाषा की फिल्म बनी है, चली है लल्लू राम जी, एक फिल्म बनी थी लल्लू राम, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन उस फिल्म ने काफ़ी पैसे कमाए थे, लेकिन यहाँ के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लू राम की जो टीम थी प्रोफेशनल थी, राइटर प्रोफेशनल थे, डायरेक्टर प्रोफेशनल, कैमरा प्रोफेशनल, यहाँ के लोग जो फिल्में बनाते हैं वो अनप्रोफेशनल लोग लेके बनाते हैं, कोई डायरेक्टर आगरा के ले लिया जी, कोई डायरेक्टर कहीं असिस्टेंट हो, काफ़ी काम किया हो, कम से कम 8-10 साल किसी को असिस्ट किया हो, अगर उनको लेके सही टीम के साथ ब्रिज फिल्म बनाई जाए तो फिल्म चलेगी, तो लोग सही रास्ते पर नहीं जा रहे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा, सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ते से भटकते हैं तो प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है जी। आप एक कलाकार हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक नए कलाकार को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि वो भविष्य अपना बना सके, उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, क्या राय देना चाहिए नए कलाकार? नए कलाकार को सबसे पहले तो एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है जी, और कलाकार बनना है तो आपको पहले अपनी हिंदी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब जो अपने शहर के जो लोग हैं आगरा के, जैसे आप बोलते हैं ए छोरा क्या कर रहा है, सुनना रहो इधर आ, मानना रहो, ये भाषा यहाँ की लोकल भाषा है जी, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हिंदी भाषा, ये लोग यहाँ का थिएटर करते हैं लोकल, जो होता है यहाँ के अपने लोकल लैंग्वेज में, तो बॉम्बे जाते हैं, वहाँ जाके ऐसे बात करेंगे तो लोग समझ जाते हैं गाँव से आए, तो वो हिंदी फिल्म में डायलॉग बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको पहले अपनी भाषा पर कमांड करना चाहिए और तब मुंबई की तरफ बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं भाषा पर कमांड होगा तो एक अच्छा कलाकार उसके अंदर से निकल कर आएगा और कामयाबी हासिल हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, नए युवा कलाकारों के लिए एक अच्छी राय है। मैं जानना चाहूँगा, वर्तमान में अगर बात की जाए तो आपके क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और एक मुंबई का अनुभव क्या रहा है? मुंबई, मुझे तो मुंबई बहुत रास आई है, पसंद आई है, और मुंबई जैसा शहर कोई नहीं मेरे हिसाब से, अपना शहर आगरा है ये तो अपना घर है, मुंबई अपने देश में है वो भी अच्छा शहर है, और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मुंबई सबको अपनाता नहीं है जी। मुंबई शुरुआत में बहुत थप्पड़ देता है, जो 2-3 साल रुक गया तो रुक गया, वरना 3 साल बाद ही लौट ही जाता है, मुंबई का स्ट्रगल बहुत ही टफ है, हिंदुस्तान का सबसे महंगा शहर है मुंबई, और कोई जाता है तो उसको घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, शुरुआत में घर से पैसे चाहिए,
रहने के लिए ठिकाना चाहिए और सबसे बड़ी बात अनजान शहर में बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ इंग्लिश है, मराठी है, अलग अलग लैंग्वेज है और अपने यूपी के लोगों को लोग भैया बोलते हैं, गाँव का समझते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे हिसाब से कि बहुत स्ट्रगल है मुंबई में। अगर मुंबई जाना है तो फिर बहुत सोच के जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बस ये लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, लोग सब बोल रहे हैं कि यार तुम यार क्या कर रहे हो, तो हमेशा मेरा डर तो रहता है कि वन टेक कर रहा है, ये डर रहता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसा डर लगता है कि यार उनके सामने हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा कभी नहीं रहेगा, पर ये लगा कि काम अच्छा कर रहे हैं। कैमरे के सामने वन टेक ओके नहीं होता होगा शॉट, कई सीनियर कलाकार होंगे, वन टेक नहीं होता है तो कभी ऐसा छोटा महसूस किया वन टेक नहीं हो रहा है यार, फिर टेक हो गया, फिर टेक हो गया, फिर टेक हो गया, और काफ़ी खुद को छोटा महसूस करने लग गया। ऐसा सच बोलो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं बहुत लकी रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की अभी, लेकिन मैं हमेशा पता नहीं दिमाग में रहता कि पहली बार में पक्का अच्छा हो जाना चाहिए। तो मैंने सरगना फिल्म की थी, उसमें खटाखट तीन टेक थे, पहली बार में हो गए और मतलब लगा कि यार वन टेक हो रहा है हमसे, ये अभी काम करते करते बहुत इजी लगने लगा, बट थ्री टेक होते हैं, या तो कोई टाइमिंग फॉल्ट होता है या कैमरे या अगले लाइन गलत दे दी जी, एक आध रीटेक हो जाते हैं, पर जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है वन टेक, बल्कि सरगना में तो लोगों ने ताली बजाई थी लगातार तीन टेक, मैंने वन टेक दिए थे और मैं टेक बहुत कम देता हूँ, मतलब वन टेक में काम हो जाता है अधिकतर, कभी कभी हो जाती तो वो तो होनी चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ें निकालनी है तो कोई बुराई नहीं है टेक देने में। ताजनगरी की बात करें क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम भी तस्वीर है, हम मुद्दे से भटक नहीं सकते इसमें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बात की जाए एक उद्योग स्थापित करने की, उद्योग जैसे आपने भी कहा कि उद्योग शायद फैसिलिटीज़ और जब तक संसाधन मौजूद नहीं होंगे तब तक उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, शासन प्रशासन की तरफ से क्या चाहेंगे आप जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में शूटिंग हो और कारोबार बढ़े? सरकार बहुत कुछ कर रही है, नो डाउट सब्सिडीज़ मिल रही हैं बड़ी बड़ी फिल्मों को, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो सब्सिडीज़ बड़े मेकर्स को मिली जी, ये जो मैंने बहुत ध्यान से देखा किसको सब्सिडीज़ मिली है वो सब बहुत बड़े मेकर्स, नए लोगों को सब्सिडीज़ मिले शायद रास्ते बनेंगे, एक ये नियम निकाला जाए कि लोकल फिल्म बनाएंगे तो सब्सिडीज़ उनको ईजीली मिले और मुंबई वालों के लिए अलग सब्सिडीज़ रखें हाई लेवल लोगों के लिए जी, तो यहाँ के लोकल लोग कुछ काम कर पाएंगे, उस पैसे का यूज़ कर पाएंगे बेटर रहेगा, और जो लोग बड़े हैं उनको सब्सिडीज़ देने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है उन्हें सब्सिडीज़ की जरूरत नहीं, लाभ की जरूरत कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में कौन सा मूवी आपका आ रहा है जो हम लोग देख सकते हैं? मेरी अगली फिल्म आ रही है ये तो टू मच हो गया, ये जून के लास्ट वीक में आएगी, इसमें जिमी शेरगिल जी हैं, अरबाज खान जी हैं और मुरली शर्मा जी हैं और पूजा चोपड़ा जी हैं और तो मैं भी छोटा सा काम कर रहा हूँ, और इसके डायरेक्टर हैं अनवर खान, प्रोड्यूसर हैं निलय पांडे, और कॉमेडी फिल्म है, मसाला फिल्म है और ये फिल्म चलनी चाहिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, ये फिल्म चलनी चाहिए क्योंकि अपने घर की फिल्म है, दोस्तों की फिल्म है, और फिल्में आगे बनेंगी, तो यही कि सब लोग आप देखने आइए फिल्म को आपसे। बिल्कुल, मैं जानना एक चीज़ और कहना चाहूँगा क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है कार्यक्रम में, तस्वीरें ताज कार्यक्रम हमारे टाइटल का नाम है तस्वीरें ताज, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि हम शहर से जुड़े और शहर की ग्रोथ के लिए बात करते हैं इसमें, ऐसे कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है कि जैसे कि आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, एक्टर नहीं, मामूली से एक बच्चा हूँ आपके शहर का, और मैंने भी ऐसे किसी के इंटरव्यूज़ देखे थे थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था, कुछ करने की ललक जागी थी, ऐसे ही कोई मेरा इंटरव्यू देखेगा तो वो भी कुछ आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेगा, और लाइफ में कुछ भी हो सकता है जी, कोई काम असंभव नहीं है, जब मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का कोई मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, आज मेरे पास लक्ष्य है जी, और लक्ष्य पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं दिन रात एक बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोआ, तो ये है कि ऐसे प्रोग्राम से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, एक लक्ष्य होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे एक कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपको हमारी तरफ से धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे दिन रात आप तरक्की करें।
तो ये थे मेरे साथ में ललित कुमार मिश्रा जी, जो मुंबई फिल्म नगरी में कहीं ना कहीं अपने आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दिन रात तरक्की करें, आगे भी एक नए विचार एक नई हस्ती के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक जो कहीं ना कहीं हम चर्चा करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनका निस्तारण करना चाहते हैं। शायद तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं, तमाम तरह की कुरीतियाँ हैं। आज का अगर विषय की बात करें तो बात की जाए ब्लू बेल। आज शायद युवा पीढ़ी शायद ब्लू बेल गेम जो आज हम सुनते हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज जो युवा है वो ग्रसित है, वो कहीं ना कहीं इसमें फंस रहा है। उससे कैसे बचा जाए? बात की जाए राम रहीम की। बात इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले का ही प्रकरण है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा दौर नहीं गुजरा उसको, लेकिन कहीं ना कहीं बाबाओं को निशाना बनाया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं बाबा ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। और क्योंकि आज मेरे साथ में एक्टर हैं, ताज नगरी के रहने वाले हैं, ताज नगरी का नाम शायद रोशन कर रहे हैं मुंबई माया नगरी में जाकर। कई एक फिल्म भी कर चुके हैं, सीरियल भी कर चुके हैं। ललित कुमार मिश्रा मेरे साथ में है। सबसे पहले क्योंकि एक्टर है वो, इसलिए मैं एक्टिंग के विषय पर चर्चा करूंगा उनसे। ललित जी, आज हम क्योंकि स्टूडियो में आप आए हैं तो आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बात करेंगे और मुद्दों पर भी, लेकिन सबसे पहले मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहूँगा, किस तरह का माहौल है मुंबई का वर्तमान का। जैसे आप आज कल में एक दो दिन पहले ही आप आए हैं मुंबई से, उससे पहले का वातावरण कैसा चल रहा है? बॉम्बे नगरी में वातावरण हमेशा अच्छा ही रहता है, नो डाउट, और काम भी बढ़िया चल रहा है, मौसम भी अच्छा है। अभी बारिश काफ़ी हुई इसलिए कोई तकलीफ नहीं लोगों को, इसलिए हमने सोचा कि बारिश हो रही है क्यों ना अपने शहर में अपने हम वतन लोगों से मिला जाए, तो इसलिए हम आगरा आए सबसे मिलने के लिए और समय निकाला और आप इनवाइट किया, हम आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इनवाइट आपको हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन आपके व्यस्त शेड्यूल में से शायद हम खुद ऐसा लगता है कि आप अगर यहाँ समय निकाल के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपने वातावरण का बताया, वहाँ पे आजकल बारिश चल रही है, वो हर साल का शायद एक रूटीन है, बारिश इस समय होती है, लेकिन अभी बारिश का जो एक रूप है वो कैसा है? इस बार बारिश कुछ ज़्यादा है और एक्चुअली अभी 20 से 26 तारीख तक बारिश ज़्यादा होगी ऐसा मैसेज मेरे पास आया था, तो उस हिसाब से मैंने प्लान किया क्यों ना कि मैं अपने आगे जाकर लोगों से। रिवॉल्वर मेरे लिए खिलौना है,
बचपन से खेल रहा हूँ रिवॉल्वर से। चल रिवॉल्वर मेरे पैरों में रख दे और यहाँ से चला जा। मैंने कहा रिवॉल्वर मेरे कदमों में रख दे और यहाँ से चला जा। और न जाने कितनी आशा मेरे आशा तब तू भी एक कंकाल बन जाएगा, एक कंकाल बन जाएगा। मैंने कहा मैं बार बार नहीं बोलता बच्चा, कदमों में रिवॉल्वर राख भस्म कर दूंगा मैं अपनी आंखों की रोशनी से। मैं आंखों से तुझे मार दूंगा। ओ साधु के देश में चुकर बेलाऊंगी पहचान सब तरह पहचान बन जाते जिसके खानदान को रोड पर यहाँ तक पहुँचा। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा वो खून उसी खानदान का है। मेरे खून का एक कतरा उससे बदला लेने के लिए दौड़ रहा हूँ और पुकार रहा बदला। सकता है तो भाग नाम सर, जब तक तू भागता है इस रिवॉल्वर से कोई नहीं चलता। लेकिन जहां तू रुका बोली भाग राम साहब। मैंने तो सोचा था तेरे नजर तेरे भाई की लाश के सराहने पर लुटू। किसी ने सच ही कहा है कि सबके सारे अरमान पूरे नहीं होते। चीखने चिल्लाने से कुछ है और देख तू द्रौपदी भी नहीं है कि कृष्ण कन्हैया तेरे लाज बचाने के लिए यहां पर आ जाएंगे। और बालिके अपने खूबसूरत जिस्म से एक एक वस्त्र उतार कर मेरे कले से लग जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे खूबसूरत जिस्म को नोच खरोच का इस तरह बद शक्ल बना दूंगा तो अपनी सूरत आने में देखने के राइट नहीं बचे। जब मैं बुलाऊं तुझे यहां आना पड़े। यह तेरी सजा है और चाटा मुझे आज भी याद है। चाटा ऐसा अपन को गाली नहीं देने का सब, गाली नहीं देने का सब। अब जब 7 साल का था ना तब से गाली खा रहा है, अब तो गाली नहीं देने का सब। आपका बहुत शौक है ना सब,
तुम्हारा स्टोरी जरूर सुनाएगा सर, जरूर सुनाएगा सर। अब उनका बाप मिल मजदूर यूनियन का नेता था सर, मिल में हड़ताल होने की वजह से मजदूर भूखे मरने लगे। मजदूरों को भूखा देखकर अपन का बाप जोश में होश को बैठा साहब, और उसने ऑर्डर दे दी कल हम लोग मिलके सामने अपनी मांग पूरी करेंगे। सेठ को पता चल गया साहब, सेठ ने पुलिस को बुला लिया। खुके लाचार गरीबों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया साहब, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ साहब। सेठ के कहने पर पुलिस ने खोली चला दी। मजदूरों का जान बचाने का वास्ते अब उनका बाप खुद के सीने पर आठ आठ गोली खाया साहब। समय से पहले अपनी मां विधवा हो गई साहब। अपुन के बाप का बड़ा अरमान था अपुन को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने का सर। उस अरमान का वास्ते अपुन की मां लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने लगी सर। बर्तन मांजते मांजते एक दिन उसके हाथ सड़ गए सर, लेकिन एक बिहार ज्यादा कोठी वाला यूं ही बोला, शांति ये लो रुपए जाके दबा ले, बहुत पैर है आपके समाज के लोग साहब, बहुत पैर। क्या करते मास्ते रहे साहब, अपन के पास फोटी कौड़ी का लगनी था साहब अपने माँ की चिता चलाने का वास्ते। अपन भटकते भटकते मरे की कोठी पे पहुंचा था, धक्के देकर बाहर निकाल लिया। अब तो चालीस जी थे साहब, वो इस कातिल था साहब, वो इस कातिल था। अपन उसका दर्शन छोड़ा, उसके घर के पास पेट्रोल पंप था, उधर नौकरी किया। ये सोच के सेठ अपन की मां की चिता नहीं चला सका, लेकिन इस हरामजादे की चिता इधर चलाएगा। उसको चलाने का वास्ते अपन सारा अखा पेट्रोल पंप पे चढ़ा रहा सर। जिंदगी में एक्शन नहीं तो कुछ भी। क्यों रे इंस्पेक्टर, आजकल सुना है कि तू वर्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
वर्दी में रहे, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। ए बोलने का अपन मेरा 1-2 का 4 और 4-2 का 1 का डाले क्या? मर चुकी थी वो। अब जिगे क्या करूंगा, जिगे क्या करूंगा, क्या करूंगा जिगे, क्या करूंगा, समझ नहीं आ रहा। मर चुकी समुद्र के किनारे बैठकर अपनी मोहब्बत की जैसा सपना में लिखी थी दूधे आज दिल की बात करे सर। सब कुछ लोग समुद्र के किनारे बैठकर मोहब्बत की कहानी लेते हैं। मैडम इधर आइए जी। दादा इन लोगों ने कुछ बोला आपको? क्या बोलूं दादा, इन लोगों का तो काम ही है रोज का। इधर आना भाई, आपको पता है कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और चढ़ाया कहाँ जाता है? माँ के चरणों में। तो माँ का दर्जा किसको दिया गया है? एक लड़की को। तो कीचड़ कौन हुआ? आप। ये कमल की तरह खिलकर आगे बढ़ जाएंगे और तुम कीचड़ की तरह एक ही जगह पड़े रह जाओगे। इसलिए बेटा किसी से कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लड़कियों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, समझे आप? तो आइंदा ऐसा ना करें आप, ठीक है? आपके घर का कोई हो सकता है, बाहर का हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, तो ऐसा आप ना करें। हमेशा औरत की इज्जत करें, वो आपकी माँ बहन भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आइंदा ऐसा आप ना करें। सॉरी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों ने साथ दिया और मेरे चैनल पर, चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं, मेरी टीम अच्छे से काम कर रही है, लोग हंसा रही है। तो मैंने सोचा मैं भी आपसे गुजारिश करूं कि आप हमारे चैनल को रेगुलर देखिए और लाइक करिए, शेयर करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाले जो नेक्स्ट एपिसोड हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है और वंदना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।